शहरवासियों के लिए एक खुशखबर है। जिस तरह कोरोना ने तेजी से शहर में अपने पैर पसारे थे, उसी गति से अब लगातार घटता जा रहा है। बीते दिनों उदयपुर में संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है और संक्रमण का आंकड़ा भी घटकर 6-7% रह गया था, लेकिन शुक्रवार को उदयपुर में आए संक्रमितों के बाद यह आंकड़ा सिर्फ 1% रह गया। शुक्रवार को CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 3554 टेस्ट किए गए, जिनमें सिर्फ 37 लोग ही संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा शहरवासियों के साथ जिला प्रशासन को भी राहत देने वाला है। अब तक उदयपुर में 55,881 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 53,806 लोग रिकवर हुए हैं। जिस तरह कोरोना लगातार शहर में बढ़ता जा रहा था, उसी गति से संक्रमण सिमटने भी लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 11 बजे तक बाजार खुलने का समय तय किया गया है और सुबह बाजार खुलने के साथ ही शहर में ट्रैफिक और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये लापरवाही हमें फिर से मुसीबत में डाल दे।